हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बहुत सारी इमेज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि एग्ज़ाम में आना, उसमें से बहुत ज़्यादा चांस है कि उसमें से बहुत सारी इमेज एग्ज़ाम में आ सकती है। उससे पहले हम एक थॉट से शुरू करते हैं, बिकॉज थॉट्स आर रियली इम्पॉर्टेंट, दे डिफरेंशिएट अस फ्रॉम एनिमल्स। तो एक बहुत फेमस इंसान का कोट है, स्टीव जॉब्स, जैसा कि आप सभी उन्हें जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो एप्पल को ज़रूर जानते होंगे, एप्पल के फाउंडर वही हैं। उनका कोट, मैं उनको कोट को कोट कर रहा हूँ, दैट इज़ बीइंग द रिचेस्ट मैन इन द सिमेट्री डजंट मैटर टू मी, फुल स्टॉप। गोइंग टू बेड एट नाइट सेइंग वी हैव डन समथिंग वंडरफुल, दैट्स व्हाट मैटर्स। मतलब इन्होंने क्या कहा कि इस दुनिया में सबसे अमीर आदमी होना या बनना मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए बिल्कुल भी उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं रात को जब सोने जाऊं तो ऐसा लगे मुझे कि मैंने आज कुछ अच्छा किया है, वंडरफुल किया है और मैं खुश हूं, मैं मेरी नींद एक सुकून भरी नींद हो और दिन भर मेरे दिन भर के काम से मैं अगर सेटिस्फाइड हूँ तो वो चीज़ मुझे मेरे लिए मैटर करती है और मुझे इंस्पायर करती है। ऐसा ही उन्होंने किया भी सही, फिर एप्पल को आप जानते ही हैं, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट कंपनीज में से एक है। तो इस तरह से हमेशा अपने थॉट्स भी आप पॉजिटिव रखें और अच्छी चीज़ें सोचिए, क्योंकि हम जो अच्छी चीज़ें सोचते हैं अच्छी चीज़ें फिर हमारे बिहेवियर में आती है और हमारी लाइफ में भी अच्छी चीज़ें आती हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम स्टार्ट करेंगे रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट से। सबसे पहले हैं इसके अंदर डॉयन रिट्रैक्टर, जिसकी इमेज बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ये जो है ब्लैडर को रिट्रैक्ट करने में काम आता है, ध्यान से देख ले इस इमेज को। मूव टू द नेक्स्ट, डेवर्स रिट्रैक्टर, ये क्या है, मैनुअल रिट्रैक्टर है, क्यों यूज़ में किया जाता है, डीप एब्डोमिनल जो मसल्स हैं उनको या चेस्ट इंसिजन्स को रिट्रैक्ट करने के लिए, और इसके अलग अलग साइज़ में ये अवेलेबल होता है, देख लिया आपने ध्यान से। मूव टू द नेक्स्ट, यह है रिचर्डसन रिट्रैक्टर, ये भी एक मैनुअल रिट्रैक्टर है, ये भी एब्डोमिनल के डीप एब्डोमिन और चेस्ट के इंसिजन को रिट्रैक्ट करने में काम में आता है। यह है आर्मी नेवी रिट्रैक्टर, आर्मी रिट्रैक्टर भी एक मैनुअल रिट्रैक्टर है और ये शेलो या सुपरफिशियल यानी बाहर के जो इंसिजन्स हैं उनको रिट्रैक्ट करने में काम में आता है। ये है गॉलेट रिट्रैक्टर, ये भी एक मैनुअल रिट्रैक्टर है। ओके, जैसा कि आपको सेम दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस भी है। डायग्राम वाले क्वेश्चन हमेशा एम्स के एग्ज़ाम में आजकल पूछे जाते हैं, जितने ज़्यादा डायग्राम हो सके उतने हमें देखने चाहिए, क्योंकि ये एक हमारा एक तरह से सीधे नंबर है, मुफ्त के नंबर हैं ये, जितने भी ज़्यादा हैं उतना अच्छा हमारे लिए, क्योंकि या तो हम उसको सीधा सही करके आ जाएंगे या बिल्कुल हमें नहीं आएगा। एक तरह से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं डायग्राम और वीडियो वाले। उसके बाद है रिबन या मेलेबल डिट्रेक्टर, ये एक मैनुअल डिट्रेक्टर है और डीप इंसिजन को डिट्रेक्ट करने में काम में आता है, इसके भी अलग अलग वेरियस शेप में इसको पेंट किया जा सकता है। ये है विडलाइनर रिट्रैक्टर, ये एक सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है और इसको भी शेलो इंसिजन को रिट्रैक्ट करने में काम में लिया जाता है। सेल्फ रिटेनिंग का मतलब क्या है, वो खुद को वहाँ पर एक तरह से उसको होल्ड करके नहीं रखना पड़ेगा, खुद ही वहाँ पर अगर उसको फिक्स कर देंगे, ये पीछे जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इससे हम इसको फिक्स कर देंगे तो क्या होगा कि वो खुद वहाँ पर रहेगा जब तक हम वापस उसको नहीं हटाएंगे। नेक्स्ट इज़ गैल्पी रिट्रैक्टर, गैल्पी रिट्रैक्टर के अंदर आगे जो रेड कलर से गोला कर रखा है इसका मतलब वो इसका डिफरेंशिएशन है वेटलाइनर रिट्रैक्टर का और गैल्पी रिट्रैक्टर का, यानी कि इसके अंदर आप देखेंगे कैसे हैं, यहाँ पे दांत जैसे इसके वो हैं और इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से दिखाया गया। ये भी एक सेल्फ रिटेनिंग है और
ये भी शैलो इंसिजन को रिट्रैक्ट करने में काम में आता है। उसके बाद है बालफोर विद ब्लैडर ब्लेड रिट्रैक्टर, ये भी एक सेल्फ रिटेनिंग है, मैंने आपको समझा ही दिया है क्या होता है सेल्फ रिटेनिंग। और ये डीप एब्डोमिनल प्रोसीजर जो होते हैं उनके अंदर रिट्रैक्ट करने में काम में आता है। अब है कटिंग एंड डिसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले है नाइफ हैंडल एंड ब्लेड, ये हमारे नाइफ है सबसे फर्स्ट में जो दे रखे हैं, पीछे जो है वो सर्जिकल ब्लेड्स हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग साइज में आती है। ओके, ये साइज आप बहुत इम्पोर्टेंट है, शायद इतना क्लियर नहीं दिख रहा, अलग अलग साइज में आती है 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23 और 25। ये आप बहुत ध्यान से देख लें क्योंकि इसका कभी कभी डायग्राम बता करके पूछ लिया जाता है कि इस ये कितने नंबर की ब्लेड है। ओके, नाइफ हैंडल एंड ब्लेड। नेक्स्ट इज स्ट्रेट मायोसीजर, यानी कि ऐसा मायोसीजर जो क्या है स्ट्रेट है, दिख रहा है आपको स्ट्रेट सीजर, सूचर को कट करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इज कर्व्ड मायोसीजर। अब कर्व्ड में क्या है, नॉर्मल जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कर्व्ड मतलब आगे से क्या दिख रहा है, ये कर्व्ड है। ये कहाँ पर काम आएगा, हैवी टिश्यू को कट करने के लिए, और जैसे फेशिया, मसल, यूट्रस एंड ब्रेस्ट, और ये क्या अलग अलग साइज में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट मूव ये है मेंडेलबॉम सीजर, इसके अंदर आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर क्या डिफरेंस है, और ये किस लिए काम में आता है, डेलिकेट टिश्यू को कट करने के लिए। इसका जो हैंडल होता है वो लॉन्गर होता है मायों से, ठीक है, आपको जैसा कि एग्जाम में सॉरी जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। और इसके जो एंड होते हैं यानी कि जो स्टार्टिंग हिस्से हैं वो क्या है, ब्लंट है इसके। उसके बाद क्लैंपिंग एंड ऑक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसको इनको क्लैंप करने में काम में लिया जाता है। यह कर्व्ड मॉस्किटो हेमोस्टेट यूज टू होल्ड डेलिकेट टिश्यू टू कंप्रेस ब्लीडिंग वेसल्स, जॉज आर फुली सेरेटेड। ओके, ये डायग्राम आप ध्यान से देख लें, कर्व्ड मॉस्किटो हेमोस्टेट का है। केली हेमोस्टेट, केली हेमोस्टेट क्या है, ये स्मॉल वेसल्स को और होल्ड टिश्यू को होल्ड करने में काम में आता है। ओके, और ये कर्व्ड भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है। इसके अंदर जो इनर लाइनिंग जो होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे एक छोटा सा पिक अलग से उसका दिखा रखा है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट, ये है हीमोस्टेट मॉस्किटो एंड कैली। ओके, अलग अलग तीनों आपको दिखा रखे हैं। देन बर्डलिशर, बर्डलिशर क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स को क्लैंप करने में काम में आता है, ठीक है। इसकी क्या होती है, दो क्लोज फिंगर रिंग्स होती है और एक ओपन फिंगर रिंग्स होती है जिसको टॉन्सिल हीमोस्टेट कह सकते हैं, मतलब सॉरी जो कि जो बर्डलिशर्स एक ओपन फिंगर रिंग के साथ होंगे उन्हें टॉन्सिल हीमोस्टेट कहेंगे, माफी चाहता हूँ। इसका दूसरा नाम क्या है, शिंडिट टॉन्सिल फोर्सेप्स एंड एडसन फोर्सेप्स। नेक्स्ट इज राइट एंगल क्लैंप। ओके, क्योंकि ये राइट एंगल में इस तरफ झुका हुआ है इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है, इसलिए इसको राइट एंगल क्लैंप कहेंगे। ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ऐसी वेसल जो हार्ड टू रीच है, मतलब जहाँ पे पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, ऐसी वेसल्स में इसको काम में लिया जाता है। और इसको राइट एंगल विद द सूचर अटैच इज कॉल्ड टायोना पैसर, अगर उसके अंदर सूचर अटैच करेंगे तो क्या कहेंगे, टायोना पैसर उसका नाम होगा। दूसरा नाम क्या है इसका, मिक्सचर राइट एंगल क्लैंप, जैसा कि आपको क्लियरली डायग्राम दिख रहा होगा, अगर डायग्राम नहीं दिख रहा है क्लियर तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। उसके बाद हीमोक्लिप अप्लायर विद हीमोक्लिप्स, ये अलग अलग क्लिप्स हैं, ठीक है, और इसमें मेटल क्लिप्स होती है जो कि ब्लड वेसल्स के और डक्ट के ऊपर काम मिल जाती है, जो कि ऑक्लूटेड है इनके अंदर, देख लीजिए डायग्राम ध्यान से। ओके, मूव टू द नेक्स्ट, ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ग्रास्प करने में या किसी टिश्यू को होल्ड करने में काम में आते हैं। सबसे फर्स्ट है एलिस टिश्यू फोर्सेप्स, देख लीजिए इसके आगे से कैसा दिखता है, ये एलिस टिश्यू टू ग्रास्प टिश्यू अवेलेबल इन शॉर्ट एंड लॉन्ग साइज, अलग अलग साइज में अवेलेबल होता है। ओके, और जज एलिस होल्ड्स इंटेस्टाइनल टिश्यू,
यानी कि जड़ एलिस जो है वो क्या करता है, इंटरनल टिश्यू होल्ड करेगा, और हैवी एलिस होल्ड ब्रेस्ट टिश्यू, यानी कि हैवी एलिस क्या करेगा, ब्रेस्ट टिश्यू को होल्ड करेगा। नेक्स्ट इज बैबकॉक फॉर्सेप्स, ये देख लीजिए आगे से कैसा दिखता है ये, क्योंकि मेन जो चीज़ें हैं हमारी डिफ्रेंसीशन वो हम उसके फ्रंट में कैसा दिखता है और उसी उन्हीं चीज़ों से करते हैं, ठीक है। अलग अलग कैसे डिफ्रेंसीशन करेंगे, ये बैबकॉक फॉर्सेप्स है, आपको एग्ज़ाम में याद आ जाएगा एक बार आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो। ऐसा नहीं सोचना है कि हमें याद नहीं हो रहा है। यूज टू ग्रास्प डेलिकेट टिश्यू यानी इंटेस्टाइन, फॉलोपियन टिश्यू, ट्यूब, ओवरी, और ये अलग अलग साइज में जो है अवेलेबल होता है। ये है हमारा कॉचर फोर्सेप्स, देखिए कॉचर फोर्सेप्स को ध्यान से आगे से किस तरह से आएंगे। कॉचर फोर्सेप्स हैवी टिश्यू को ग्रास्प करने में काम में आता है, क्लैंप के रूप में भी काम में ले सकता है, और इसके जो जॉज हैं वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं और कर्व भी हो सकते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, ऑस्टर। फर्स्टर स्पॉन्ज फोर्सेप्स, ये स्पॉन्ज को ग्रैब करने में काम में आता है, देख लीजिए कैसे दिख रहा है। नेक्स्ट इज बैक हॉज टॉवल क्लिप, ये एक टॉवल क्लिप है, किस लिए काम में लेंगे, टॉवल को ड्रेप्स को होल्ड करने के लिए, कहाँ पर, प्लेस में। नेक्स्ट इज रशियन टिश्यू फोर्सेप्स, ओके, और ये भी एक टिश्यू ग्रास्पिंग फोर्सेप्स है, एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए कैसा दिख रहा है, सही है, रशियन टिश्यू फोर्सेप्स। ये है एडसन्स पिकअप फोर्सेप्स, इसको भी आप देख लीजिए थोड़ी नज़दीक से, ये स्मूथ होते हैं जो टिश्यू को, डेलिकेट टिश्यू को ग्रास्प करने में काम आते हैं, अगर टीथ होंगे इनके अंदर तो स्किन को ग्रास्प करने में काम आएंगे। दूसरा नाम क्या है इसका, डूरा फोर्सेप्स, कौन सा था ये, एडिसन पिकअप फोर्सेप्स। अगर आपको लग रहा है कि कम टाइम के लिए दिख रही कोई चीज़ तो आप वीडियो को पॉज कर लें और उसको ध्यान से देख लें। यह है ड्रेसिंग फोर्सेप्स, इसके लॉन्ग एंड स्मूथ पिकअप्स के लिए। यह है डीबेके फोर्सेप्स, ओके, इसको भी ध्यान से देख लें। यह डेलिकेट टिश्यू को कार्डियोवास्कुलर सर्जरी के अंदर पिकअप करने में काम में आता है, कौन सा, डीबेके फोर्सेप्स। यह है थंब फोर्सेप्स, ओके, ये किस तरह से हैं वो आपको दिख ही रहा है, एक गोला बना रखा है यहाँ पे। आर यूज टू ग्रास्प टफ टिश्यू यानी फेशिया या ब्रेस्ट को ग्रास्प करने में काम आता है, ओके, और इनके बहुत सारे टीथ भी हो सकते हैं और एक सिंगल टीथ भी हो सकता है, ओके। सिंगल टूथ फोर्सेप्स को क्या कहेंगे, रेड टूथ फोर्सेप्स भी कह सकते हैं, यह है थंब फोर्सेप्स। नेक्स्ट इज मायो हेगार निडल होल्डर, यह एक निडल होल्डर है, ये टिप कैसी है ये दिख रही है आपको टिप डिटेल के अंदर, और इंडल होल्ड करने में काम में आता है सुचुरिंग के दौरान। उसके बाद है ट्रांसफ़र फोर्सेप्स होल्डर, ये क्या होता है, स्टेराइल होता है तब फोर्सेप को ट्रांसफ़र करने में काम आता है, और स्टेराइल ट्रे के अंदर हम जब भी हमें आइटम अरेंज करना हो तब भी काम आता है, और आइटम्स को स्टेराइल फील्ड के अंदर ट्रांसफ़र करने में काम आता है। नेक्स्ट इज स्प्लिंटर फोर्सेप्स, स्प्लिंटर फोर्सेप क्या है, फाइन टिप फॉर फॉरेन ऑब्जेक्ट रिट्राइवल, यानी फॉरेन ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए इसकी टिप को क्या रखा गया है, फाइन रखा गया है, फाइन मतलब बारीक। मूव टू द नेक्स्ट, स्प्लिंटर फोर्सेप्स को ध्यान रखें। उसके बाद वाटर स्प्लिंटर फोर्सेप्स, ये एक वेरी फाइन टिप होती है इसकी भी, ओके, और स्पीयर हेड इसका डिज़ाइन होता है, देख लीजिए ध्यान से, ये दिख गई, ओके। यह है टूथ्ड फोर्सेप्स, यह है टूथ्ड फोर्सेप्स, ओके, ये किस लिए काम में जाती है, फॉर ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग टिश्यू मसल्स और स्किन एंड सराउंडिंग वुंड्स, ठीक है। एक साइड में तो है सिंगल टूथ होगा जो कि दूसरे साइड में जो दो टीथ होंगे उसके अंदर फिट हो जाएगा, अलग अलग साइज में अवेलेबल ये हमें रहेगी, इसका क्या नाम है, टूथड फोर्सेप्स। प्लेन थंब फोर्सेप्स, प्लेन थंब फोर्सेप्स क्या है, टिश्यूज को प्लेस में होल्ड करने के लिए इसको काम में लिया जाता है, ठीक है, और जेंटली मूव करने के लिए टिश्यूज़ को, एक्सप्लोरेटरी सर्जरीज जिसमें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये एक प्लेन थंब फोर्सेप्स है, और पैकिंग को इंसर्ट करने में, ठीक
ठीक है, डीप कैविटीज़ में अगर हम कोई पैकिंग इंसर्ट करना चाहते हैं गॉज की पैकिंग, तो उसको यूज़ किया जा सकता है, प्लेन थंब फॉर्सेप्स। नेक्स्ट इज स्किन हुक। स्किन हुक, व्हाट इज स्किन हुक? फ्लैट एंड इज ब्लंट रिट्रैक्टर। अगर इसका एंड जो है फ्लैट होगा तो इसको ब्लंट रिट्रैक्टर का काम करेगा। और थ्री प्रॉन्ज एंड मे बी शार्प टू डल, यूज टू रिट्रैक्ट स्मॉल इंसिजन्स और सिक्योर अ स्किन एज फॉर सुचरिंग। ठीक है, सुचरिंग के लिए, स्किन एज को सिक्योर करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। इसका नाम क्या है? स्किन हुक। ओके, यह है आयरिस सुचर इंसिजन। आयरिस सुचर इंसिजन जैसा कि आपको दिख रहा है, ये किस काम में आएगा? सुचर को हटाने के लिए। ओके, ब्लेड हैज़ अ ब्रेक और हुक टू स्लाइड अंडर सुचर। देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक क्या है, एक डिप्रेशन है जिससे कि आप सुचर को होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लिस्टर बैंडेज सीजर। लिस्टर बैंडेज सीजर, ये क्या काम में आएगी? बैंडेज को हटाने में, ड्रेसिंग को हटाने में काम में आती है। ओके, जो है इसकी प्रॉप जो है वो ब्लंट रखी गई है। क्यों? क्योंकि सेफ्टी के लिए, अगर अगर इसकी प्रॉप ब्लंट नहीं होगी तो पेशेंट को इंजरी ना हो, उसके लिए इसकी प्रॉप को क्या रखा गया है? ब्लंट। इसका नाम क्या है? लिस्टर बैंडेज सीजर। मूव टू द नेक्स्ट, सिम स्पैकुलम, सबको पता होगा। ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या है? डक बिल्स स्पैकुलम, और वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करने में काम आता है, यूजुअली पोस्टीरियर वॉल को, और डबल या सिंगल एंडेड हो सकता है। ओके, हैंडल स्लाइटली कॉनकेव टू कलेक्ट रेन ब्लड एंड सोशन। इसके अंदर क्या होगा? कॉनकेव होगा। कॉनकेव मतलब, कॉनकेव को कैसे याद रखेंगे? केव, केव मतलब गुफा। गुफा कैसे होती है? अंदर की तरफ होती है। तो ये कॉनकेव आपको कैसा दिखेगा? थोड़ा सा अंदर की तरफ डिफरेंस दिखेगा। कॉनवेक्स कैसा होता है? कॉनवेक्स मतलब एक्स, जैसे आप एक्स बनाते हैं तो वो कैसा होता है? थोड़ा ऐसे बाहर निकला हुआ मान सकते हैं। ये मैंने ऐसे ही अपने को याद रखने के लिए बना रखा है, इसमें कोई आपको जैसा अच्छा लगे। ये है सिम्स स्पेकुलम। नेक्स्ट इज कस्कोस बाई वाल्व स्पेकुलम। ये कौन सा स्पेकुलम है? कस्कोस बाई वाल्व स्पेकुलम। ठीक है, सेल्फ रिट्रेनिंग है, बाई वाल्व स्पेकुलम है। ठीक है, सर्वाइकल एंड वजाइनल इंस्पेक्शन के लिए काम में आता है, पेप स्मीयर के लिए काम में आता है। ओके, कॉल्पोस्कोपी के अंदर काम में आता है। इसके जो हैंडल्स होते हैं वो सेल्फली कॉनकेव होते हैं, वही सेम चीज़ हमने पिछले जो बार देखी, कॉनकेव दिख रहे हैं हैंडल्स के, ये देखिए ध्यान से देख लीजिए, बहुत कॉमनली पूछा जाता है। ओके, वीडियो का आप पूरा देखें जिससे कि कोई भी स्किप नहीं करें, सारे इमेज इंपॉर्टेंट हैं। यह है नेक्स्ट फर्ग्यूसन ट्यूबुलर वजाइनल स्पेकुलम। इसमें कोई खास ऐसे बताने के लिए नहीं है, एक ट्यूबुलर है। ओके, नेक्स्ट ओवर्ड वेटेड सेल्फ रिट्रेनिंग स्पेकुलम, ये सेल्फ रिट्रेनिंग स्पेकुलम है। ओके, नेक्स्ट इज सुना वाला सेल्फ रिट्रेनिंग वजाइनल स्पेकुलम। ये अलग अलग तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने बनाए हैं, अलग अलग नाम है उनके। ओके, यह है सिम्स एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। ओके, ये एंटीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करने में काम आता है। ओके, स्पून शेप एंड विद ट्रांसफर सेरेशन होते हैं, और लूप क्या एंगल बनाती है? 150 का विद शाफ्ट, शाफ्ट के साथ कितना? 150 का एंगल होता है। ओके, रिट्रैक्शन ऑफ एंटीरियर वजाइनल वॉल इन कॉन्जुकेशन विद स्पाइन सिम्स स्पेकुलम, मतलब इसको सिम्स स्पेकुलम के साथ में काम में लिया जा सकता है। यह सिम्स एंटीरियर वॉल रिट्रैक्टर। ओके, दिख रहा है आपको, ध्यान से देख लीजिए। ब्लेक्स यूट्राइन क्यूरेट, यह है ब्लेक यूट्राइन क्यूरेट, दिख रही है आपको। ओके, यह सेंट्रल शेट वन शार्प एंड वन ब्लंटेड। एक इसका एंड जो होता है वो शार्प होगा, दूसरा एंड क्या होगा? ब्लंट होगा। ये किस लिए काम में ली जाती है? यूट्रस के अंदर क्यूरेट करने के लिए। एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट। ओके, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। यह है डायग्नोसिस ऑफ DUB एंड इनफर्टिलिटी के डायग्नोसिस के लिए और DUB के डायग्नोसिस के लिए। एंडोमेट्रियल डेटिंग टू डायग्नोस अनोव्यूलेशन LPD कैन ऑल्सो एक्ट एज ए यूट्राइन साउंड। यूट्राइन साउंड के रूप में भी इसको काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट इज लीश विल्कॉनसन कैनुला, दिख रहा है आपको ये कैनुला, ये लीजिए आपको। ठीक है, किस लिए यूज़ करेंगे? HCG और क्रोमोपर्टुबेशन एंड रिबिन टेस्ट के लिए। मूव टू द नेक्स्ट,
हैगाड़ा राइटर, ये अलग अलग साइज़ में आता है, 3 mm से लगा करके 25-26 mm तक डबल एंडेड होते हैं, ओके। और 1 mm का डिफरेंस रहता है दोनों एंड में। यूज़ फॉर डायलिटेशन इन कुरिटाज एंड अदर वेरियस हिस्टेरकोस्कोपिक प्रोसीजर, ओके। डायलिटेशन इन कुरिटाज जब हम करते हैं अबॉर्शन के लिए, उसमें यूज़ लिया जाता है, अलग अलग साइज में आता है, जैसे आपको दिख रहा है हैगार डायलेटर, एक हैगार साइन भी होता है, ओके, याद रखें उसको भी। नेक्स्ट इज हाउकिन अम्बलर डायलेटर, ओके, ये हाउकिन अम्बलर डायलेटर है। नेक्स्ट इज पुरांडरे डायलेटर, सर्वाइकल डायलेटर हैज गार्ड एंड लॉन्ग टेपरिंग एंड, देख लीजिए इस तरह से है, क्या नाम है इसका, पुरांडरेस डायलेटर। यह है यूट्राइन साउंड, बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो टिप होता है वो ब्लेंड होता है, 30 डिग्री पर बेंड होता है, ओके, और कितना दूर होता है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड। एंगल्स हेल्प टू नेगोशिएट विद कर्वेचर ऑफ यूट्रस, ठीक है, ये यूट्रस के कर्वेचर के हिसाब से इसको बना रखा है, और यूट्रो सर्वाइकल लेंथ को मापने के लिए इसको कम में लिया जाता है। यूट्रो सर्वाइकल मतलब यूट्रस से सर्वाइकल के बीच की दूरी, यूट्राइन साउंड। नेक्स्ट इज ब्लैडर साउंड, ब्लैडर साउंड क्या है आपको दिख रहा है, जेंटल कर्व टू मेक नो मार्किंग ऑन इट, इसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती, इसके ऊपर आप देखिए मार्किंग है, ठीक है, इसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ ब्लैडर सिस्टोसिल एंड वेजाइनल स्ट्रेक्टोस्कोपी के अंदर इसको काम में लेंगे, ओके। नेक्स्ट इज ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स, इसको हम जूम करके देख लेते हैं थोड़ा सा, ये इस तरह से दिखेगा, ओके, दिख रहा है, ये इसका अंदर का हिस्सा दिखा रखा है आपको। ट्रायंगुलर टिप्स विद ट्रांसवर्स सरेशंस टू होल्ड कट एंच ऑफ द लोअर सेगमेंट आफ्टर डिलीवरी ऑफ फिटस, ठीक है। एट्रोमिक एट्रोमेटिक एंड हीमोस्टेटिक होता है, ये ट्रोमा नहीं करता है कोई भी। यूज इन प्लेस ऑफ स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स इन द ड्रेसिंग सर्वाइकल ईयर्स, यह हैवुड स्मिथ ओवम फोर्सेप्स, हॉलीवुड नहीं हैवुड है, ओके, हॉलीवुड नहीं याद आ जाते हैं आपको, दिख रहा है डायग्राम, देखा है स्पून शेप इसके एंड होते हैं, कोई लॉक नहीं होता, तो कोई क्रशिंग एक्शन नहीं होगा इसका। यूज़ क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अगर हम MTP कर रहे हैं, MTP मतलब मेडिकल डिटरमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो रिमूवल ऑफ POC आफ्टर सर्वाइकल डायलेशन में काम आता है, ठीक है। सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर कर रहे हैं तो रिमूवल ऑफ रिटेन बीट ऑफ प्लेसेंटा के अंदर, और रिमूवल ऑफ पेडियन अनक्यूलेटेड पॉलिप्स, दिख रहा है आपको, हैवुड स्मिथ और पॉसिप्स, यह है बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला है, वाल्सलम, ठीक है, सर्विक्स को एंटीरियर टिप को होल्ड करने में काम आता है वाल्सलम, ओके। मूव टू द नेक्स्ट, सर्वाइकल पंच बायोप्सी, ओके, ये पंच बायोप्सी के लिए काम में आता है, दिख रहा है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का डिफरेंस होता है और अलग अलग ऑप्शन हो जाते हैं, ये पंच बायोप्सी ऑफ सर्विक्स में काम आ जाता है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है। यह है बश एपिजियोटोमी सीजर, बस किसका नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम होगा, एपिजियोटोमी के लिए काम में लिया जाता है। एपिजियोटोमी मतलब वजाइनल वॉल पे कट लगाना नॉर्मल जनरल डिलीवरी के दौरान, जिससे क्या होगा कि पेरिनियल टीयर के चांसेस नहीं रहेंगे, ओके, और बाद में उसको सूचर कर दिया जाएगा। इसको स्टराइल करेंगे क्लिटोरली हाइट से, इसकी जो शेप होती है ऐसी होती है जिससे हम वजाइना में इसको इंट्रोड्यूस कर सकें और कोई भी कट लगा सकें, जबकि इसको इंजरी नहीं होनी चाहिए। एंगल प्रिवेंट्स बटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट द पेशेंट बटक्स, ओके, देख रहा है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अम्बेलिकल सीजर, अम्बेलिकल कॉर्ड कटिंग में काम में आता है, दिख रहा है आपको, जूम करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट इज मिड कैविटी फोर्सेप्स, ओके, यह है रिंगले आउटलेट फोर्सेप्स, अलग अलग है, ये मिड कैविटी है और ये रिंगले है, अलग अलग का अगर हम कंपैरिजन देखेंगे तो लेफ्ट में है आउटलेट फोर्सेप्स, बीच में है मिड कैविटी फोर्सेप्स और लास्ट में है रेशनल फोर्सेप्स। यह है वेंटोस कप, ठीक है, जैसा आपने 3D में देखा होगा, इस पर प्रेशर लगा के और बच्चे को डिलीवरी कराने में हेल्प करता है। यह है ऑब्स्टेट्रिक हुक विद क्रोचेट, हुक इज यूज टू अप्लाई
ग्रोइन ट्रैक्शन इन डेड फिटस, अगर कोई बच्चा मर गया है यानी कि इंट्रायूटराइन डेथ हो गई है तो उसको ट्रैक्शन लगाने के लिए काम में आता है। यूज टू पुल डाउन द लेग ऑफ द डेड फिटस इन ट्रांसवर्स लाइन, ओके यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, और यूज टू अप्लाई द ट्रैक्शन ऑन फिटल लोअर जो ऑर्बिट फोरामेन मैग्नम एटसेट्रा टू एक्सट्रैक्ट डीकैपेसिटेटेड हेड। क्रोचेट इज ऑल्सो यूज इन टू अप्लाई ट्रैक्शन ऑन फिटल हेड विथ आफ्टर क्रैनियोटोमी, ओके यू कैन लुक दिस ऑब्स्टेट्रिक हुक विथ क्रोचेट।